दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविजन पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है किसके में। मैं और मेरा और मनारा वो का वो फ्रेंडशिप वाला जोन रहा है और हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है। शो देखा है ना तो ईशा ने डे वन से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की, शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। एंड मैं पूरी न्यूज़ जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिया ना, मैंने सबका थैंक यू बोला है। आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था हाफ इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर बिग बॉस ने जब वो बाइक वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, बिग बॉस ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना, तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कितना गलत हो जाता ना मैं शो के लिए, कितना मजाक बन जाता मेरा दुनिया में, बट मेरे माँ बाप ज़रूर आते। ये चीज़ मैं पूरी फ्रेटर्निटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने मेरे भाई को रीच आउट करके ये चीज़ सच्चाई रखी। एक ऑडियो कॉल भी शायद वायरल हुआ था कि जहाँ पर ये बात हुई थी कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था कि आप इस शो पर आओ, आपको बस ये था कि आप हमसे बात करो, हम वो वीडियो फुटेज लेंगे। एंड मैं किस सिचुएशन से गया हूँ अंदर जब मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि मेरे घर वाले शो पर नहीं आए। पूरे सीज़न में लोगों ने मुझे चिढ़ाया कि तेरे घर वाले तेरे मम्मी पापा इस शो पर नहीं आए। आप समझ सकते हो मैं क्या गेम दिखाता, जहाँ पर मैंने शो के अंदर कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक था, मैं दुबई था, मेरे मम्मा का ऊपर वाले जॉ का ऑपरेशन हुआ था। मेरे घर वालों ने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं दुबई कुछ काम से गया था। एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में, वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविजन पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर से। मैं उस चीज़ को ही कंप्लीट कर रहा था। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट? एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बिल्कुल मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था, वो घर के बाहर से ही मुझे पता था। तो मैं इसी एक रीज़न था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था। बिल्कुल मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ। एक कहावत बोलते थे घर वाले हमें बचपन में कि अच्छी संगत बनाओ, उसका मतलब पता है बहुत बाद में समझ में आता है, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके सही में आपको सही बता सके और जो आपके गलत में आपको गलत बता सके। मैं और मेरा और मनारा वो फ्रेंडशिप वाला जोन रहा है और हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है। हम दोनों एक दूसरे से लड़े भी हैं। दोस्त वही हैं जो आपको जब आप गलत जा रहे हो ना, जब मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मुनावर के जो वो प्रेम जाल जो वो ऑलरेडी लड़कियों के साथ करता हुआ आया पूरे सीजन, पिछले शोज में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि ये कार्ड खेला गया था। पहले आयशा का नाम कहीं ना कहीं उसने शो में लिया, फिर उसके बाद नाजिला के साथ वो फ्लिप हुआ, और उसके बाद जब मनारा के साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने उसे आगाह करा था कि भाई ये चीज़ हो रही है तेरे साथ, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो दोस्ती में खटपट रहती है, बट असली दोस्त वही होते हैं जो आपको गलती पे बता सके कि भाई तुम यहाँ पर गलत है, संभल जा। मैंने अभी शायद उसका आंसर करा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं वही बोला ना जहाँ पर वो गलत, आपने वो एपिसोड देखा जहाँ पर मैंने मनारा को नॉमिनेट करा है, अगर मेरा कोई पर्सनल रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का, तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई देती थी, बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है, जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना तो ईशा ने डे वन से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। वो हमेशा से डे वन से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविजन पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करेंट गर्लफ्रेंड है।
आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ, वो मेरे बारे में क्या फील कर रही होगी। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था और नेशनल टेलीविजन पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलते कि मुझे तो इससे शादी करनी है। और मुनावर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनावर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये नो ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है, बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे, बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। जब ये शो शुरू हुआ था तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब ये शुरू पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने, अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की। अब तक के जितने भी सीजन गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने, किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। बट इस सीजन जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है। उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे, मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़। कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं, इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है, इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है, मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे, दो दो तीन तीन चार चार घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, इन 20-25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फील करा है, तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की, शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं, केवल एक एक्टिविटी थी, आपको याद होगा जब YouTube वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था, एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट चिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी। मेरे पूरे सीजन में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वन। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, उस घर के अंदर भी 108 कैमराज थे और आज ये वाले कैमराज हैं जो मेरी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं कि जो मैंने चीज़ें रखी है। टॉकिंग अबाउट आप फैन बेस को लेकर के घर के अंदर बहुत सवाल उठे कि मेरा एक फैंडम था तो मुझे था कि कहीं ना कहीं वो जिता देगा मुझे। आपको पता है इस बारी का जो सीज़न था ना, उस सीज़न में सब लोग एक प्लस पॉइंट लेकर के आए थे। अंकिता जी टीवी का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी, मुनावर शायरी का एक्सपीरियंस लेकर के आया था, खानजादी रैपिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी। तो जब आप उनके प्लस पॉइंट पर सवाल नहीं उठा रहे कि भाई तू ये पहले से क्यों लेकर के आया, तू शो में ये मत कर, तू भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करके दिखा, क्या लोगों ने उनके टैलेंट पे या जो चीज़ वो प्लस लेकर के आए थे बाहर से, क्या लोगों ने उस पर सवाल उठाए? नहीं ना। मैंने जो क्लिप्स देखी हैं उसमें बेशक आपने पूरे घर वालों को ये बात करते हुए सुना होगा कि इसका बहुत बड़ा फैंडम है,
और आप बात कर रहे हैं टैलेंट शो की, तो ये इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं था जहां पर मुझे जाकर के अपना नाच करके टैलेंट दिखाना था, मुझे अपनी पर्सनालिटी दिखानी थी। और मैंने मुझे मेरी पर्सनालिटी, मैं आपको आज ये डिफाइन कर सकता हूँ कि जिंदगी में जहाँ पर मुझे चीज़ें गलत दिखेंगी तो मैं डंके की चोट पे बोलूँगा। पता है बहुत मुश्किल होता है उस शो पर, उस शो को चैलेंज करना, जब आप उस शो के फॉर्मेट को चैलेंज करते हो ना कि बिग बॉस अनफेयरनेस दिख रही है। ये चीज़ के लिए आपको एक इंसिडेंट याद होगा कि यू नो जब अंकिता जी को बाहर की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उस चीज़ पे किसी ने सवाल नहीं उठाए थे घर के अंदर से, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस की फेवरेट है, अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लपेटे में लिया जाएगा। मनारा ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ बोला है कि उसको शोमेकर्स की तरफ से कन्फेशन रूम में एक लाइव स्ट्रीम भी हुई थी, जो एक रूम था दिल के मकान, थेरेपी रूम में जब मनारा को बुलाया गया था तो सलमान सर ने एक बात बोली थी कि शो में वो आपकी बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडस्ट्री में वो बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और अंकिता जी ने भी, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, अंकिता जी ने एक स्टेटमेंट दी थी खुलेआम पब्लिकली, जब ये गपशप बाय द पूल का एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोगों को अगर टीवी वाले थोड़ा बहुत फेवर भी कर देंगे तो वो हमारा हक है। पता है वो शो अब तक जो 16 सीजन गए वो कहीं ना कहीं फेयर रहे, सबके लिए इक्वल रहे, अपनी पर्सनालिटी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। बट मैं वही चीज़ बोलूँगा ना, अगर आप पूरा शो ही विक्की भाई, अंकिता जी या मुनावर और मनारा पे बना देंगे तो बाकी लोग, मैं अकेला बंदा थोड़ी ना था। क्या रिंकू जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या जिगनाथ जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या नील भाई की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या ऐश्वर्या जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? हम सारे लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, या हम सारे वो लोग वो थे जिन्हें चैनल को शायद फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं था। आज जब मैं बाहर आया था यू नो, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी है कि किन के लिए बिल्कुल फेवरेटिज्म हुआ है। वो बात, अगर हम एक इक्वल गेम खेल रहे हैं ना और हम एक रेस में भाग रहे हैं जिसमें हम लोगों को सबको पैदल भागना है, और आपको घोड़े में बोल दिया कि घोड़े में भाग, तो मैं तो ऑब्जेक्शन उठाऊंगा ना यार कि यार इनको घोड़े में भागने के लिए बोल रहे हैं, हमें पैदल भागने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैंने अनफेयर का पॉइंट उठाया, जो मुझे उस टाइम फील हुआ मैंने वो बात अपनी सबके सामने रखी, जो मुझे फील हुआ, जो मैं रियल था, मैंने वो हमेशा सबके सामने वो मुद्दा रखा।